गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मैं फिर से प्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। मैन हमें अगर हम प्रेजेंटेशन पे ही ध्यान दे दें, कोई भी प्रोग्राम रहेगा, प्रैक्टिकल करना रहेगा, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में हमने जो चीजें देखी थी कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा, पहले क्वेश्चन समझना है, उसका आंसर अपने ऑन वर्ड्स में आप कॉपी पे लिख लो कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स के हिसाब से आप सोच लो कि क्या क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो कैसे निकलेगा। फिर हम उसके छोटे छोटे पार्ट को डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे कि सबसे सिंपल तरीका क्या क्या होना चाहिए। जैसे अगर एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, आपको सिंपल इंटरेस्ट जब निकालना रहता है तो आपको पता है पी इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो आपने सॉल्यूशन बना लिया, लेकिन उसके सिंपल स्टेप्स क्या होंगे, तो आप उसको जब डिवाइड करोगे, बिल्कुल छोटे लेवल पे सोचोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल आपके पास होना चाहिए, रेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, ये तीन चीजें आपको चाहिए। तो आप इसके लिए एक लाइन लिखोगे कोड का, है ना, इनपुट फंक्शन बना के। क्लियर हुआ सभी को? ऐसे हम अगर मतलब सॉल्यूशन से कोड की तरफ जाएंगे तो कभी भी हमसे गलती नहीं होगी, ठीक है। और जैसे ही हम उसके सिंपल सिंपल स्टेप बना लेते हैं, फिर हम अगर कोड करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी भी तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके, यस सर। तो अभी मैं फर्स्ट आपको प्राइम नंबर के ऊपर एक चीज बताना चाहता हूं। यहाँ पे प्राइम नंबर का मैंने डिफिनेशन लिखा है, क्योंकि हमें कई बार प्रॉब्लम होती है कि प्राइम नंबर एग्जैक्टली नहीं पता रहता है क्या है, हम रट लेते हैं ना। तो यहाँ पे एक मैंने फोटो खींच के यहाँ पे यूज किया आपके सामने, क्या दिया है प्राइम नंबर क्या होता है, सिंपल है ये, है ना। अ नंबर डेट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन, एक ऐसा नंबर जो वो खुद से और एक से, बस इन दो नंबर से डिवाइड हो सके और किसी से ना हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर्स लिखे हैं 1 से 100 तक। अच्छा, ये चीज जिसने समझ लिया, कल का आखिरी वाला प्रोग्राम भी उसको वापस से समझ में आ जाएगा। मैं वापस से वही उसको मैंने एक नई फाइल में सेव कर दिया है, ठीक है, नई जगह पे, और मैं उसको ओपन करके आपको दिखाऊंगा और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर उसी नंबर को आप कह सकते हो जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकता है और एक से, मतलब बीच में किसी से डिवाइड हो सकता है क्या? जाहिर सी बात है, नहीं हो सकता, है ना। तो प्राइम नंबर्स की मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखी है 1 से 100 तक की। इसमें मैंने अभी मार्क नहीं किया प्राइम नंबर कौन है, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताना कैसे निकालने का क्या तरीका होना चाहिए। अ नंबर डेट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय वन इटसेल्फ एंड वन बाय इटसेल्फ एंड वन। तो अगर मैं वन की बात करता हूं, वन से मैंने स्टार्ट किया प्राइम नंबर को, तो आप देखना वन को इस डिफिनेशन में रखो, वन इज दैट नंबर which can be divided exactly one by itself। तो एक तो ये खुद से डिवाइड होना चाहिए, तो ये खुद भी तो वन ही है, मतलब ये डिफिनेशन की जगह क्या हो गया, वन बाय वन एंड वन, मतलब दो नंबर की जगह वो एक ही नंबर रह गया, तो ये डिफिनेशन फेल होती है। यस सर, क्योंकि वन एंड वन आप कहीं पे एक ही नाम से, मैंने बोला कि जय एंड लोकेंद्र, लेकिन मैंने अगर जय एंड जय लिखा तो आप मना कर दोगे सर ये ग्रामेटिकली सही नहीं है, तो ये डिफिनेशन में सुटेबल नहीं है, कौन, वन, इसलिए वन एक प्राइम नंबर नहीं है। यस सर। टू के पास जाते हैं, टू में ये डिफिनेशन रखते हैं, क्या टू सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकता है और वन से डिवाइड हो सकता है, क्या बस यही इसके दो डिवाइजर है? हाँ, यस सर। तो ये ट्रू हो गया। हम ऐसे ही थ्री के लिए, अब जब हम फोर के पास जाते हैं तो आप 4 के लिए चेक करते हो तो आपको पता चलता है 2 इंटू 2 भी 4 होता है, तो इसको क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे, ठीक है। और अगर आपको जल्दी से निकालने कि 1 से 100 तक के प्राइम नंबर कौन है, तो आप क्या करो, जो प्राइम नंबर बन गया है, ध्यान से सुनना, मैं रिपीट नहीं करूंगा इसको, जो प्राइम नंबर बन गया है उसके मल्टीपल को हटा दो पूरी लिस्ट में से। मतलब अगर 2 प्राइम नंबर बन गया है ना, तो 2 जिसके भी 2 के टेबल में जो भी आता है इस पूरे नंबरों में, उसको कैंसिल कर दो, वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब 3 ना प्राइम नंबर भी आपने बना लिया, तो 3 के पहाड़े वाले टेबल वाले जो भी नंबर हैं उनको आप कैंसिल कर दो। इस तरह से आप आगे बढ़ोगे तो बहुत जल्दी आपको 100 तक के प्राइम नंबर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे आपको चेक करने वाले नंबर कम हो जाएंगे। क्लियर हुआ जय लोकेंद्र? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर हुआ। ये पूरी लाइन
जैसे ही टू प्राइम नंबर घोषित हुआ ये पूरी लाइन हट जाएगी, ये पूरी लाइन मतलब 100 से डायरेक्ट 50 को नंबरों के बीच में आपको प्राइम नंबर ढूंढना है। आप 3 को जैसे ही लोगे तो 9 हट जाएगा, कुछ और नंबर एडिशनल में वो भी हट जाएंगे कि ये प्राइम नंबर नहीं हो सकते। तो यहां पे आप ध्यान देना, मैंने यहां पे एक और यूज किया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये बस उन्हीं को मैंने सर्कल बनाया जो कि प्राइम नंबर है। तो आप एक ये वर्क एक्सपेरिमेंट खुद करके देखना, ये मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया। आपको क्या करना है, आपको ये वाली लिस्ट लेनी है ठीक है, मतलब 1 से 100 तक कॉपी में लिखना है, और जो मैंने तरीका बताया उसी तरीके से आपको कैंसिल करते जाना है और देखना है कौन कैंसिल करने में बच रहा है। जो नंबर बचे होंगे वो यही नंबर होंगे जो सर्कल जिनमें लगा है। क्लियर हुआ सभी को, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर। गुड, स्क्रीनशॉट भी ले लिया? यस सर। हाँ, अब आते हैं बात, हमने जो प्रोग्राम बनाया था उस पे, ये वो प्रोग्राम था ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना, मैंने कुछ एडिटिंग की है, मैंने कमेंट्स डाले हैं, प्रोग्राम कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, वही प्रोग्राम है जो कल लास्ट में बना था, पर मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिख दी। जैसे कल मैंने ये लाइनें लिखी थी, मैं अभी जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो लाइनें नहीं थी, आप पीपीटी मतलब लास्ट स्क्रीनशॉट से चेक कर लेना, ये लाइन नहीं लिखी थी वहां पे मैंने, ये भी नहीं लिखी थी ठीक है। मैं अगर प्राइम नंबर की बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, प्राइम नंबर अगर मुझे किसी को बनाना है, कोई भी नंबर को प्राइम नंबर चेक करना है, तो मुझे शुरुआत से 2 से चेक करना पड़ेगा, 2 से लेकर उस नंबर तक चेक करना पड़ेगा, कोई नंबर उसको डिवाइड तो नहीं कर पाता है पूरी तरह से। ये लाइन समझ में आई जो मैंने बोला अभी? जैसे मुझे मुझे बोलना है कि 37 प्राइम नंबर है, तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा क्या 2 से लेकर 36 तक के नंबर जो है ठीक है, यहां तक के नंबर में से ये किसी से डिवाइड हो पाता है क्या? अगर हो पाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। आपको समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, यस सर। तो मैं एक ऐसा लूप लगाऊंगा जो कि इस नंबर से स्टार्ट हो और कहां तक जाए, 36 तक जाए ठीक है, एक ऐसा लूप जो इससे एक अंक कम तक जाए और बार बार चेक करे, पूछे कि क्या वो नंबर इसको डिवाइड कर पाता है। तो अब आप कोड में आना, कोड में हमने ऐसा क्यों लिखा, दो लूप क्यों लगाए? दो लूप लगाने की इसलिए जरूरत है, एक तो हमें जो क्वेश्चन बोला है वो बोला है कि एक लिमिट तक आपको फाइंड करके बताना है, लिमिट तक मतलब एक संख्या दे दी है उसके पहले के सारे प्राइम नंबर बताने हैं। तो सारे प्राइम नंबर चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप चाहिए, एक एक करके चेक करेगा ना। व्हाइल लूप क्या काम कर रहा है, व्हाइल लूप प्राइम नंबर को खोजने का काम कर रहा है ठीक है, ये चेक कर रहा है कि बारी बारी से जो नंबर आपने सेलेक्ट किया है क्या वो प्राइम नंबर है, उसके लिए कौन वर्क कर रहा है, ये व्हाइल लूप वर्क कर रहा है। इसलिए यहां पे दो लूप लगे हुए हैं, दोनों लूप का काम समझ में आया? यस सर। गुड, ये वाला लूप क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो पर्टिकुलर नंबर आपने 2 से स्टार्ट करके जो लिमिट तक नंबर के बीच में लिया है वो नंबर क्या प्राइम नंबर है ठीक है। ये काम नहीं करेगा कि ये नेक्स्ट अपने आप जनरेट कर लेगा और नेक्स्ट नंबर को यूज करेगा, वो फॉर लूप करेगा, फॉर लूप नेक्स्ट नंबर को सेलेक्ट करके भेज देगा इसके पास और ये फिर चेक करेगा। अब व्हाइल लूप क्या काम कर रहा है, ध्यान से सुनना, रेंज में अगर हमने 2, x+1 दिया तो जाहिर सी बात है हमारा जो प्राइम नंबर का सिलेक्शन होगा वो 2 से स्टार्ट होगा ठीक है। तो यहां पे मैंने बता दिया कि नम में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, एक एक करके पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। अभी मैं 2 के लिए आपको बताऊंगा, 2 और 3 के लिए आप खुद समझ जाओगे कि नहीं, मैं 2 से लेकर 5 तक के लिए बताऊंगा है ना, वरना क्लियर नहीं होगा। 2 से 3 तक ही अगर मैंने समझाया तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन 5 तक अगर मैंने बता दिया कैसे काम कर रहा है तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये प्राइम नंबर ही हमेशा खोज कर दिखाएगा। तो अब देखना, सबसे पहले नम की वैल्यू क्या होगी जब पहली बार लूप चलेगा, टेल मी। 2 वेट, तो ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पे ये पहला टाइम जब चला तो नम की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई है ना। और आई की वैल्यू हम क्यों 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि प्राइम नंबर यहीं से स्टार्ट होता है
यस सर। ठीक है, तो इस नंबर से चेक होगा कौन सा नंबर जो कि हमें फर्स्ट टाइम हमने यूज किया है। तो 202 को कंपेयर किया हमने, चलो कंपेयर करके बताओ क्या 2 इज लेस देन 2 है, बोलो जल्दी। नो सर, नहीं नो है तो सर। ये फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। तो हमने देखा है व्हाइल लूप कंप्लीट हो गया एक तरह से। व्हाइल लूप कंप्लीट हुआ तो क्या, कहां भेज देगा, किसके पास भेज देगा, एल्स वाले के पास भेज देगा, और एल्स वाला उसको प्रिंट करा देगा। मैं नीचे इसके कमेंट में लिख रहा हूं कि इसका आउटपुट कैसे बन रहा है। तो पहला वैल्यू आएगा 2 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखना अब क्या होगा, यहां पे वापिस से ऊपर जाएगा, वापिस से कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। अब नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से यस सुनना। मैं यहां पे ना इसको अब एडिट कर दूंगा, पुराना वाला चीज नहीं रहेगा। तो आप चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे बाद में आप पढ़ो तो सेकेंड टाइम कैसे वर्क कर रहा था वो अलग से आपको समझ में आ जाए। अब सेकेंड टाइम देख रहा हूं मैं, यहां पे इसको सेकेंड टाइम लिख देता हूं, ठीक है। सेकेंड टाइम नम की वैल्यू क्या होगी आप ही बताओ मुझे, जिससे आपको समझ में भी आए। 3 हो जाएगी, थ्री अब 3 हो जाएगी तो थ्री कंपैरिजन किसके बीच में होगा बेटा, आई की वैल्यू 2 है। 283 के बीच में, तो ये टू कंडीशन एट क्या थ्री हो के गई, बीच ट्रू ये कंडीशन क्या हो गई बेटा, ट्रू हो गई। गुड, हो गई सर ये कंडीशन। ट्रू हो गई तो कहां पे जाएगा लूप हमारा, अंदर की तरफ जाएगा। अंदर क्या बोलेगा, नम को अगर मैं डिवाइड करता हूं आई के साथ, तो नम क्या है मेरे पास 3, तो 3 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 2 के साथ तो रिमाइंडर क्या मेरा 0 आता है क्या, टेल मी, नहीं 1 आता नो है। सर नहीं आता है, तो व्हाइल लूप फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स हो गया। अब ये फॉल्स हुआ तो क्या ये अंदर जाएगा, अंदर फॉल्स हो जाएगा, जाएगा सर, नहीं नहीं आएगा फिर। जाएगा। फॉल्स हुआ तो ये लाइन कौन सी यूज हो जाएगी, आई आई +1, ठीक है। कौन सी लाइन पे पहुंच जाएगा, आई आई +1, क्योंकि इफ वाला यहां तक बना हुआ है। तो ये फॉल्स हो गया तो कहां पहुंच जाएगा, यहां पे। और इसको क्या करेगा, जो पुरानी आई है ठीक है, हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड में असाइन होता है। पहले राइट साइड को कंप्यूटर समझेगा और आई की वैल्यू लेगा। आई की वैल्यू क्या है बेटा अभी, 2, 2 +1 बोलो 3। तो ये 3 हो जाएगा यहां पे। अब मुझे बताओ इसके बाद, अभी ये फॉल लूप व्हाइल लूप जो है ये फॉल्स नहीं हुआ है, फॉल्स हुआ है क्या, नहीं। नो ये सर, जब फॉल्स होगा तब नो हम सर, ऊपर जाएंगे, अभी हम बाहर नहीं, अभी हम अंदर ही वर्क कर रहे हैं। तो ये वापस से 3 ऊपर जाएगा, ठीक है, वापस से 3 ऊपर जाएगा। मैं थोड़ी दूरी से बता देता हूं, और आई की वैल्यू अपडेट होकर पहुंचेगी 3, और कंपेरिजन होगा नम से। अभी भी नम क्या है 3, क्यों, क्योंकि ये जब तक फॉल्स नहीं होगा ये ऊपर नहीं जाएगा तो नम बढ़ेगा ही नहीं। तो क्या 3 3 से छोटा है, नहीं, फॉल्स, नो सर, और फॉल्स है तो व्हाइल लूप कहां भेज देगा, अपने ऊपर वाले काम में, क्योंकि अभी फॉर लूप के अंदर चल रहा है ना। तो फॉर लूप क्या करेगा, अब ये थर्ड टाइम काम करेगा, पर एक जगह वापस से मैंने गलती कर दी। अगर ये फॉल्स होता है तो व्हाइल लूप कंप्लीट हुआ है, लेकिन मैंने एल्स पार्ट भी बनाया तो अब आएगा एल्स के पास। फॉल्स जैसे हुआ ये भेज देगा अपने एल्स वाले के पार्ट पे, और वो लाइन एग्जीक्यूट होगी। और लाइन क्या लिखी हुई आएगी हमें, थ्री इज प्राइम नंबर, चलो अब ये वाली थ्री इज जैसे ही प्राइम। खत्म हुआ, फॉर लूप के पास वापस पहुंचेगा, थर्ड टाइम हमारा काम होगा। बताओ नम की वैल्यू क्या होगी, फोर फोर, थ्री फोर फोर वापिस से कंपैरिजन किससे होगा, आई से। तो मैं ये बोल सकता हूं यस 2 इज लेस देन 4, ट्रू है, सर, वाइल देन ट्रू है। लेकिन यहां पे फॉल्स हो जाएगा। ये कहां पे, जब इफ वाली चीज पे पूछेगा, क्या 4 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 देता है, हाँ देता है, और देता है तो ये यस सर चीज क्या हो देता है। गई, ट्रू हो गई। और ट्रू हो गई तो अंदर ब्रेक के पास चले जाएगा, किसके पास चले जाएगा, ब्रेक के ब्रेक पास। ब्रेक के बाद अब ब्रेक का काम समझना, ब्रेक क्या करता है, अपने इनर मोस्ट लूप से निकाल देता है। तो क्या इफ एक लूप है, इफ एक लूप है क्या, नो सर, नो तो वो सर, किसके बाहर फेंक देगा, इस पूरे के बाहर फेंक देगा, यस सर, ठीक वो जाने नहीं देगा हेल्थ तक शायद। है, एल्स में जाने ही नहीं देगा, तो फोर प्रिंट भी नहीं होगा। क्लियर हुआ सभी को,
सर, और ये यस जब सर, ये ब्रेक ही काम कर रहा है जिसके कारण हमें प्राइम नंबर प्रॉपर मिल पा रहा है, ये ब्रेक ही इस लूप से निकाल दे रहा उन नंबरों को जिनका पहले से कोई डिवाइड पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पहले से उससे छोटा नंबर उसको डिवाइड कर पाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है। इसलिए मैंने बोला था डिफिनेशन से अगर प्रोग्राम समझोगे तो हो जाएगा आपको। अगर उससे कोई छोटा नंबर उसको डिवाइड कर दिया तो वो प्राइम नंबर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो ब्रेक करके हम बाहर चले जाएंगे। अब ऊपर आ जाओ फोर्थ टाइम, सॉरी हाँ यहां पे आ जाओ, अब आ जाएगा फोर्थ टाइम। फोर्थ टाइम इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? फाइव फाइव का कंपैरिजन किससे होगा? टू फाइव से। टू ने कंपैरिजन किया इसका और ये ट्रू हो गया, अंदर गया, इसने फाइव को रख दिया यहां पे। क्या फाइव डिविजिबल है टू से? नहीं नो सर, नो सर, है। तो फॉल्स के केस में ये लाइन कहां पे पहुंच जाएगी? यहां पे। तो आई एक नया वैल्यू बन नो सर, जाएगा, टू था, अब क्या बन जाएगा? थ्री। ठीक है। पर ये व्हाइल लूप कंप्लीट हुआ क्या अभी? नहीं, व्हाइल लूप जब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वो फॉल्स नहीं होता, है ना? जब तक वो गलत नहीं होता तब यस तक सर, वो अंदर ही चलते रहता है। तो आई वापस ऊपर जाएगा, ठीक है, और अब आई की नई वैल्यू क्या हो गई? थ्री हो गई। थ्री का कंपेरिजन वापस किससे होगा? फाइव से होगा। फाइव से, क्या ये ट्रू है? हाँ ये ट्रू है। वापस इसका यहाँ पे अंदर कंपेरिजन होगा। थ्री यहाँ पे क्या वैल्यू लिखू मैं? फाइव इज डिविजिबल बाय थ्री को चेक करता हूँ। डिवाइड करने के बाद क्या जीरो मिल रहा है? यस सर, मिल रहा है? गुड, नो सर, नहीं मिल रहा है, है ना? नहीं मिल रहा है ना। यहां पे हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है नो रिमाइंडर में? टू। देयरफॉर इट इज फॉल्स। तो किसके पास पहुंचा देगा? आई इक्वल टू आई प्लस वन। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? नहीं, पुरानी वैल्यू क्या थी? थ्री। थ्री प्लस वन फोर हो जाएगी, फोर हो जाएगी। वापिस से फोर ऊपर जाएगा, फोर चेक करेगा। क्या फोर छोटा है पांच से? ट्रू बात है। तो यहां पे किससे अब कंपैरिजन होगा? फाइव का डिविजिबिलिटी चेक होगी फोर से। क्या रिमाइंडर में वन आता ये है? भी नहीं होएगा, हाँ। ये भी क्या है? वन आ रहा है तो ये भी फॉल्स हो गया, ये बाहर आ गया। आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? फोर प्लस वन। फोर प्लस फाइव वन हो होगी तो जाएगी, फाइव हो जाएगा। फाइव हो जाएगा तो यहां पे जब कंपैरिजन होगा तो फॉल्स का केस हो जाएगा। ये क्या फाइव छोटा है फाइव से? फॉल्स से। ये चीज गलत है, आप गलत बोल रहे हो। तो व्हाइल लूप कहां भेज देगा? अपने एल्स वाले पार्ट में। एल्स बाद में भेजेगा, फाइव तो कहां क्या वैल्यू इस प्राइम पे? नंबर, वेरी गुड। चलो अब मैं जल्दी करूंगा, यहां पे नम की नेक्स्ट वैल्यू बताओ जब फिफ्थ टाइम चलेगा। फिफ्थ टाइम चलेगा तो कौन आएगा? सिक्स सिक्स। गुड, माइक ऑन करके रख सकते हो, है ना? अब ये सिक्स से कंपैरिजन होगा यहाँ पे। क्या सिक्स छोटा सर, है टू से? ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रू चेक हो जाएगा, करेगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो ब्रेक कर देगा। ब्रेक कर देगा मतलब कहाँ भेज देगा? फोर बाहर लूप, निकाल देगा, क्योंकि सिक्स ही है यस इसका सर, प्राइम सिक्स नंबर। सर, वेरी गुड। अब यहां पे क्या हो जाएगा? सिक्स्थ टाइम चलेगा हमारा। सिक्स्थ टाइम चलेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? सेवन। सेवन से क्या सेवन क्या आ होगा जाएगी, था? टू से कंपेरिजन सेवन करेंगे ट्रू हो जाएगा, फिर ठीक है, आगे बढ़ेंगे गुड। तो दीजिएगा, सेवन से तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो तो नहीं देगा, जाएगा हाँ फोल्ड हो जाएगा, तो ये आगे भेज देगा। तो टू की वैल्यू बढ़कर क्या बन जाएगी? अब थ्री बन जाएगी। थ्री बन जाएगी, थ्री थ्री से ऊपर फिर से चेक जाएगा, फिर होगा। ये भी नहीं होगा, फिर से आएगी ऊपर से, नीचे वैल्यू थ्री हो जाएगी, टू प्लस वन थ्री, यस क्या हो सर, जाएगा? फोर ये फोर हो जाएगा। फोर की वैल्यू हो चेक होगी जाएगा, अब। फिर फोर भी नीचे आएगा, फॉल्स हो गया। यस सर, फिर फाइव हो जाएगी, हाँ थ्री प्लस वन फोर हो फाइव जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर फाइव फिर से नीचे आएगा, फिर क्या हो रहा है? सिक्स फॉल्स। हो जाएगी, गुड, सॉरी, यहां पे फाइव होगा फिर और सिक्स फिर यहां से पे ऊपर जाएगा, सिक्स होगा। गुड, फिर और सिक्स से चलेगा, फिर सिक्स से भी नहीं होगा, तो फिर सिक्स प्लस वन सेवन हो जाएगा, फिर सिक्स बताओ, सेवन ऊपर जाएगा, फिर सेवन इज लेस देन सेवन ये फोल्स हो जाएगा, तो किसके पास भेज देगा? हाँ एल्स के पास।
यस सर। और एल्स क्या करेगा? प्राइम नंबर। अब मुझे नहीं लगता बेटा इससे, हाँ तो सर समझ गए, रिपीट करना है तीनों में से, मुझे तीनों कंफर्मेशन दो कि हाँ ये प्रोग्राम अब समझ में आ गया। यस सर समझ में आ गया। यस सर। गुड, इसको मैं सेव कर देता हूँ। जो कमेंट्स यहाँ पे दिख रहा है 2, 3, 5, 7, एक 9 भी 7 के बाद नहीं आता कोई नंबर इसमें जो प्राइम है 10 से कम। अगर मैंने 10 इनपुट दिया तो ये 4 लाइन आउटपुट में मिलनी चाहिए। रन करा मैंने और मैं अभी इनपुट के लिए क्या वैल्यू दूंगा, 10 दूंगा आपके सामने, और इंटर प्रेस किया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये देखो वही 4 लाइन मिल रही है जो हमने कमेंट्स के थ्रू हमने खुद निकाल के रखा है उधर। तो हमें समझ में आ गया कि ये वर्क क्यों हुआ ऐसा कि 2, 3, 5, 7 आया। चलो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अभी हमने एक प्राइम नंबर नया कॉन्सेप्ट सीखा बनाने का, तो वैसे अब यहाँ पे भी हमें एक नई चीज सीखनी है। ठीक है, यहाँ पे एक नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सेवंथ क्वेश्चन पे आ गए हम। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर, फाइंड एंड डिस्प्ले वेदर इट इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है पता है क्या आप सभी को? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ ठीक है, मैं इसका डिफिनेशन आपके सामने रख देता हूं। यहां पे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एक मिनट थोड़ा सा मैं कंटेंट दिखाऊंगा तो ज्यादा आपको क्लियर रहेगा कि क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, पहले आपके सामने इमेज तो बने कि क्या चीज बोल रहा हूं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है? दैट इज द सम ऑफ इक्वल टू, हाँ, इक्वल टू द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स डिजिट्स। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसके हमने एक एक डिजिट उठा के उनको क्यूब कर दिया, 3 times मल्टीप्लाई कर दिया खुद से और सभी का सम कर दिया, तो वो खुद वापस से बन जाए। आप रफ कॉपी निकाल लो आपके पास और ये एग्जाम्पल के जो नंबर दिए 01153 और 370, 371 और 407, इसमें से मैं एक नंबर ले रहा हूं 153 और इसमें आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करता हूं। ठीक है, ध्यान देना कौन सा नंबर लिया था मैंने, 153। तो आर्मस्ट्रॉन्ग क्या बोलता है, एक एक डिजिट उठा लो, ठीक है, और उनके क्यूब कर दो। मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई होगा खुद से, वो 3 times। सभी सभी को आ रहा है समझ में? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैसे चेक करते हैं, पहले उसी के अंदर के डिजिट yes, उठाना है, तीन बार मल्टीप्लाई करना है हमें और उनको आपस में जोड़ देना है। अगर वो खुद बन गया वही नंबर जिससे वो उठाया गया था तो हम उसको क्या बोल देते हैं, अगर ये ट्रू होता है सो वो क्या बन जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो चेक करते हैं, 1 का क्यूब क्या होता है बेटा, 1, 5 का 125, 1 होता है 125, 3 का क्यूब 27, क्या वैल्यू दे रहा है ये? यस सर। सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का किलो का प्लस, हाँ गुड। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का हमें एक कोड बनाना है, ठीक है, जिससे चेक हो पाए कि जो यूजर देगा, ये चीज ध्यान रखना, जो यूजर देगा, हम नहीं देंगे, यूजर देगा हमें, और उसमें हम ये चेक कर पाए, ठीक है, कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। मतलब सर आंसर नंबर वो होते हैं जिनके अलग अलग ले लो उनका क्यूब करो और फिर जो आंसर आए उन तीनों का प्लस कर दो तो वो आंसर आएगा। हाँ वही सेम नंबर बन गया तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाएगा। सभी को क्लियर है तीनों बच्चे? गजब नंबर। ठीक है, अच्छा एक चीज बता दो, कोई भी ऐसी अद्भुत चीज आप भी बताते हो तो अपने नाम से भी वो बता सकते हो कि ये मैंने खोज के निकाले नए नंबर जिसमें ऐसा कुछ करेंगे तो वो वापस से वही बन जाता है, कुछ भी अनोखी चीज। तो जिसने निकाला होगा उसी के नाम से नंबर फेमस हो गया। क्लियर हुआ? नीला आर्मस्ट्रॉन्ग ने लगा लिया, हटाऊ ये? यस सर। यार रहने दू, चलो रहने देता हूँ, जिससे कोड में आपको मदद मिलेगी कैसे उसका कोड बनेगा। ठीक है, पहले तो आप मैंने सॉल्यूशन बता दिया, सॉल्यूशन अब मैंने क्या बोला था उसके सिंपल स्टेप्स कर लो आप। सिंपल स्टेप्स अगर हम करते हैं, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, उसका सॉल्यूशन निकालना आ गया कि कैसे होगा, पर अब ये नहीं समझ में आ रहा है उसके सिंपल स्टेप क्या होगी। तो सिंपल स्टेप ये है कि जो भी नंबर होगा उसके एक एक डिजिट मुझे निकालने हैं। क्या करना है, 1-1 digit मुझे यूज करने, 1 by 1 मुझे एक एक डिजिट यूज करने, और उनको क्या करना है फिर बोलो, क्यूब करना है।
और आखिरी में करना है ना, आखिरी में उसके ऊपर मुझे क्या काम करवाना है, सम कर देना है उसका, तो चलो मुझे समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं चेक करूंगा क्या जो नंबर दिया हुआ था क्वेश्चन में वो और ये सम दोनों वो बराबर जो है। दिया है उसका इक्वल है क्या? अगर ये बराबर है तो आर्मस्ट्रॉन्ग वैल्यू पता चल जाए। कितना आसान कर दिया मैंने छोटे स्टेप में इसको लिखा, जब फर्स्ट वी विल टेक द नंबर है ना, जो भी नंबर यूजर ने दिया है, फिर उसको वन बाय वन हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और टूट जाएगा तो हम उसका क्यूब करेंगे और उसको एक सम में रख देंगे। ठीक है, अब इस पे कोड देखना आप सब। एक नंबर मुझे मांगना है, NUM करके मैंने नंबर बना दिया, इंटीजर टाइप का नंबर मुझे दिया जाएगा और मैं यूजर से मांगूंगा। क्या बोल दिया मैंने? इंटर अ नंबर, इंटर द आंसर नंबर। नहीं, आप नंबर मांगो ना, आप बताओ वेदर इट इज यस और नो। उससे आर्मस्ट्रॉन्ग मांगोगे तो मतलब पहले से ही है वो। यस सर। गुड, अब हम इसके नंबर को तोड़ने का तरीका ढूंढते हैं, है ना। अभी जैसे नंबर मिला था बेटा, इसका मैंने वन उठाया, फाइव उठाया, थ्री उठाया, इसका कोई मैथमेटिकल रूल बनाओ आप खुद से कि आप कैसे कर सकते हो। आसान तरीका मैं बताता हूं। सर रेंडमली उठाएंगे इसको क्या? नहीं नहीं रैंडमली उठाने का तरीका नहीं। आपको पता है कि एक नंबर डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, और डिजिट के कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं? जब ये थ्री यूनिट डिजिट पे है तो ये थ्री इसका पार्ट है, जब ये फाइव इसका टेंस डिजिट पे है तो फाइव इसका पार्ट है, और वन भी इसका पार्ट है। तो हमें क्या करना है, इस नंबर के एक एक डिजिट को उठाना है। तो पहले हम इस नंबर को किसी में कॉपी कर दें। अब कॉपी करने का मतलब समझना, क्यों कॉपी कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो भी नया ये नंबर के पास जाएगा तो हम इस नंबर को चेंज नहीं कर रहे हैं। जो क्वेश्चन में हमें यूजर ने नंबर दिया था वो चेंज नहीं होगा, वो एक जगह अपनी जगह बना रहेगा। हम किस पे अब ट्राई करेंगे? जिसके पास उसकी फोटोकॉपी है। हाँ गुड, तो मुझे एफ में से, एफ की वैल्यू अभी क्या है बेटा बताओ मुझे, व्हाट इज एफ हियर? जो यूजर ने दिया है। अभी मैं सोच रहा हूं कि यूजर दे रहा है मुझे, एग्जाम्पल बता रहा हूं, 153। ठीक है, क्योंकि हमने उस पर ट्राई करा है सक्सेस कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी इसकी वैल्यू है एफ की, ध्यान से सुनना, इसको डिवाइड करूंगा मैं 10 से। करो, करके बताओ क्या वैल्यू देता है ये, एफ की वैल्यू क्या बन जाएगी? 15.3। यस सर। पर क्या मुझे 3 मिल रहा है उसके कारण? नहीं मिल रहा, वो पॉइंट से अलग हो जा रहा है। तो उससे अच्छा तरीका क्या है, मैं यहां पे मॉडुलस का साइन यूज कर लूं, तो मुझे एफ की जगह वैल्यू क्या मिलेगी बताओ? बोलो, 10 से डिवाइड किया मैंने तो क्या मिलेगा? 15। 3 गायब हो गया। यस सर, 15 ही मिलेगी। तो 3 को मैं कैसे निकालूं, वो तरीका मुझे ढूंढना है। ठीक है, मैं यहां पे कुछ गलत लिख रहा हूं, आपने बताया नहीं, रिमाइंडर ये रखना है ना खुद के पास, क्या वैल्यू होगा? 3 आ जाएगा। मिल गया? हाँ सर, 3। गुड, 15 तो उसमें आएगा। यस सर। और अब मैं एफ को अपडेट कर दूं। ठीक है, क्यों अपडेट क्यों करूं, ये और छोटा होगा तो मैं बाद में फिर से 10 से डिवाइड करूंगा, फिर से मुझे 5 मिल जाएगा। आपको अब तरीका समझ में आ गया कि मैं 10 से डिवाइड करूं तो मुझे आखिरी वाला नंबर रिमाइंडर के रूप में मिलता है। यस और नो? यस सर। तो आपको ये तरीका समझ में आ गया वन बाय वन कैसे आप निकाल सकते हो, है ना। ये चीज समझ में आ गई, सेकंड स्टेप हो गया, सभी को समझ में आया कैसे निकाल सकते हैं। उसको 10 से डिवाइड करें, रिमाइंडर मतलब किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो आखिरी की नंबर आ जाएगा। हाँ, और हम इसको अपडेट कर दें। अपडेट कैसा करें इसको, कि हम इसको अब f डिवाइडेड बाय 10 कर दें, है ना। और अगर ये हो जाए, ध्यान से सुनना, अगर ये हो जाए तो हम इसको इंटीजर में बदल दें। अब बताओ मेरे पास कि f के अंदर क्या वैल्यू रह जाएगी, बोलो जल्दी। 15.3 बना और उसको मैंने इंटीजर में बना दिया, तो क्या बन गया? ये जाएगी पर वो सर इंटीजर में। 15 बन गया, यस और नो? नो, नहीं बना 15। क्यों नहीं बना? 153। एक मिनट, यहां पे हम कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, यहां पे आपको दिक्कत होगी। मैं इसको ए दे देता हूं, क्योंकि मुझे नंबर अलग रखने ना, और एफ को भी अपडेट करना है, जिससे मैं फिर से उसके ऊपर ये काम करवा पाऊं। अब तो सही है, चेक करो एक बार।
एफ की वैल्यू 153 गई, 153 को मैंने डिवाइड किया 10 से, वैल्यू मुझे 3 मिल रही है। तो किसकी वैल्यू मिल रही है ये, जिसके ऊपर मैं क्यूब करवाऊंगा, तो ए की वैल्यू हो गई 3। पर एफ क्या है अभी, अभी भी एफ क्या है बोलो जल्दी, अभी भी एफ वही है जो था, ठीक है 153। अब ये 153 यहां पे आ गया, तो चेक करते हैं 153 डिवाइड करो सभी बच्चे 10 से, क्या देता है वैल्यू 15.3। और उसको मैं बोल रहा हूं इंटीजर में बदल दो, हाँ इंटीजर में बदल दो, तो क्या बन जाएगा वो 15। तो इस तरह से अगर मैं बार बार ऐसा काम करवाऊं तो मुझे एक एक नंबर मिलता जाएगा ए के अंदर, ठीक है। तो वन बाय वन अब जाके मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया, छोटा सा बनाया अभी, और ये काम बार बार होना चाहिए। तो ये किसी फोर लूप के अंदर आएगा, पर फोर लूप क्या करता है, एक लिमिट तक जाता है, एक एक करके नंबरों को चेक करता है। हमें नंबरों को एक एक करके चेक करना है, लेकिन वो खुद ये कर देगा क्योंकि हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, खुद वो ये काम कर रहा है। तो हम यहां पे बस एक कंडीशन लिखे कि उस जगह रुक जाना जब एफ क्या हो जाए, जीरो से बस बढ़ा रहे। अब बताओ इतना समझ में आया सभी को, उस जगह रुक जाना जहां पे एफ अगर जीरो से छोटा हुआ या बराबर हो जाए तो रुक जाना, वरना अगर एफ जीरो हो गया तो हमारे ये फॉर्मूले में कहीं पे ऑटोमेटिक जीरो आ रहा है क्या, नहीं, वो तो बस वही नंबर यूज कर रहा है जो उस नंबर के अंदर है। तो ये लाइन अब समझ में आ रही है सभी को, ये कंडीशन क्यों लगाया, ये कंडीशन हो गया कि जब फॉल्स होके बाहर आ जाए तो हमें ये फॉर्मेट मिले। अभी हमने कुछ चीजें नहीं बनाई, क्यूब नहीं किया अभी, ठीक है। क्यूब करने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये चीज का हम क्या करवाना चाहते हैं, हम इसके अंदर कुछ नंबरों का सम करवाना चाहते हैं, तो कोई एक सम हमारे पास होना जरूरी है जिसमें वो वैल्यू जाके सेव हो, ठीक है। तो मैं ऐड लिख देता हूं उसको, आसान भाषा में ऐड लिख देता हूं, ठीक है। सम से अच्छा मैं यहां पे इसको भी ऐड कर देता हूं, क्योंकि सम एक ऑलरेडी एक फंक्शन है पाइथन में, ठीक है। ऐड वो शुरू में अगर जीरो हुआ तो उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूं, क्योंकि पाइथन हमेशा बोलता है कोई भी नंबर पे आप एकदम से काम नहीं कर सकते जब तक वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो एक वैल्यू मुझे उसको जीरो देनी पड़ेगी, और उसके अंदर मैं बार बार क्या करूं, पहले आखिरी वाले टर्म का क्यूब में उसके अंदर जोड़ दूं, फिर उसके पहले वाले का, एक एक करके सभी का सम उसके अंदर जोड़ दूं। तो मैं उसकी लाइन कहां पे बनाऊं, यहां पे बनाऊं, यस सर। रीजन क्या है, क्योंकि मुझे पहला टर्म तो यहां पे ही मिल रहा है ना, जब वो मिलेगा तभी तो मैं उसको यूज कर सकता हूं। ये जितने बच्चों को आ गया तो मतलब वो उसने ये प्रोग्राम अप कर चुका है। ये लाइन क्या लिखी मैंने, क्या लिखा मैंने कि एड की वैल्यू कैसे yes, बनेगी, ठीक है समझ गया, जीरो प्लस ए के क्यूब से, ए का अभी क्या वैल्यू है 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी अब एड की 9 आ जाएगी, और फिर से सर 3 में फिर वो प्लस हो जाएगा अगला, गुड, उसका क्यूब नेक्स्ट, ये वापिस से ऊपर जाएगा, वापिस से चेक करेगा, सब कुछ काम आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें, Okay. सर उसके लिए लूप तो लगाओ सर पहले, ये लूप लगाया ना बेटा, तो सर इसमें क्या है कि एफ की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो ये चलेगा, तब तक चलेगा जब तक एफ की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, और सही बात है आखिरी में वैल्यू वन बन जाएगी, वन के बाद जब वो 10 से डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा। चलो बताऊं करके बताऊं इसको कैसे काम करेगा ये, यहाँ पे f की पहली वैल्यू तो हमें पता चल गई 153 है, डिवाइड किया हमने 10 से, ये वैल्यू समझ में आ गई, ये भी आ गया, यहाँ पे भी हमारा आ गया कि ये 15 हो जाएगा। अब 15 ऊपर जाके चेक होगा, क्या 15 बड़ा है जीरो से, हाँ बड़ा है, ट्रू है, अंदर जाएगा, ठीक है। a एक नया बनेगा क्योंकि अब क्या हो गया है, एफ 15 हो गया है, डिवाइड करो क्या रिमाइंडर देगा 5, ठीक है। अच्छा लास्ट टाइम 8 की वैल्यू क्या बन चुकी थी 9, तो 9 में क्या प्लस होगा, नया a का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, क्लियर हुआ। अब ऐड क्या बन गया हमारे पास 134, ठीक है 134 बना, और यहां पे हमने बोला अभी जो f है मतलब 15, उसका डिवाइड करो 10 से, डिवाइड करो क्या बन रहा है
1.5 और उसको कन्वर्ट करना इंटीजर में, तो अब f क्या बन गया 1 हो गया। समझ में आया यहां पे? यस सर। 1 ऊपर जाके चेक करेगा, बोलेगा 1 इज ग्रेटर देन 0, हां है अभी भी ट्रू है, तो नीचे जाके बोलेगा 1 को डिवाइड करो 10 से, तो डिवाइड होगा तो a की वैल्यू क्या आएगी, रिमाइंडर क्या बनेगा, 1 बनेगा। आप 1 को डिवाइड करते हो 10 से तो रिमाइंडर भी 1 ही आता है, और वो 1 कहां पे चले जाएगा हमारे, नीचे वाले लाइन के पास चले जाएगा, पहले से 8 की वैल्यू 134 निकली थी, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1। कुछ गलत किया क्या मैंने? Yes, 3 का क्यूब, हाँ 3 का क्यूब गलत लिख दिया था मैंने, 3 का क्यूब होता है 27, 125 लास्ट लाइन जो हुई थी, 33 9 9 3 27, ठीक है। तो नया वैल्यू जो बना था वो कितना बना था, 152 है ना। अभी उसके अंदर क्या प्लस हो रहा है, 1 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 1, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 153। गुड। अब 1 ये अंदर जाएगा तो यहां पे बोला है कि जो भी रिमाइंडर, तो अब 0 बन गया वो, अभी 1 था, 1 का डिवाइड हुआ तो 0.1 हो गया, और 0.1 हुआ तो वैल्यू f की 0 हो गई, तो अब ये फॉल्स हो जाएगा। चलो तो मतलब सब कंप्लीट हो गया, सिर्फ अपने को अब लास्ट वाली स्टेप फॉलो करनी है, नंबर इज इक्वल टू 8 ट्रू आंसर नंबर। अब आपको मिल गया कि ये 0 हो चुका है, तो लूप के बाहर आ गया, मतलब ये 8 के अंदर आपका आंसर है, पर ये केवल आंसर है, अब हमें चेक करना पड़ेगा, मतलब हमने कहां तक काम कर दिया बताओ मुझे, ये सारे काम कर दिए, 3 स्टेप कर दे शुरू की, 4 स्टेप, अब आखिरी स्टेप बचा है, तो उसके लिए हमें हमेशा पता है ऐसी चीजों के लिए कौन यूज होता है, इफ दो चीजों में ट्रू या फॉल्स निकालना है, जो नंबर दिया था उससे हम कंपेयर करेंगे, किसका कंपैरिजन होगा, एड का, अगर ये दोनों बराबर है तो हम प्रिंट करा दे, यस सर, माइक बंद करना, इट इज क्लियर हुआ सभी को, यस सर, ध्यान से देखना इधर, अब इट इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और नंबर का नाम बता देंगे, नंबर क्या था, आप एड मत लिखना, नम लिखना, क्योंकि यूजर ने नम दिया था, उसको पता नहीं कि हमने कोड में क्या काम किया है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा हमें, एल्स लगा देंगे, हाँ गुड, एल्स लगा के उसको समझा देंगे हम सामने वाले को कि ये आपने जो नंबर दिया है ये गलत है, ठीक है, अच्छा था सर, इट इज नॉट अ ओके, नम की वैल्यू साथ में हमने जोड़, कंट्रोल एस कर देते हैं इसको, ठीक है। अभी देखना यहां पे जो हमने काम किया, इसमें दोनों को कंपेयर कर दिया, कंपैरिजन हुआ, ट्रू हुआ, तो क्या हो जाएगा, इट इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, और अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, इज इट क्लियर सर, हेलो, कंट्रोल एस, यस बेटा, सर आवाज ही नहीं आ रही सर आपकी बहुत देर से, ओके, नेटवर्क में आपके प्रॉब्लम हो रहा होगा, बाकी सबको आ रही आवाज, सर कोई क्लास में ही नहीं है, ठीक है, शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है, ध्यान दो इधर जाए, यहाँ पे चेक हुआ जो भी वैल्यू हमारी आई, हमने एक एग्जांपल के लिए 153 ले लिया, तो वही हमारी वैल्यू आई है, तो चेक करेगा दोनों नंबर क्या सेम है, अगर सेम है तो बोल देगा कि इट इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। F5 पे हमने क्लिक किया और रन मॉड्यूल कर दिया, ठीक है।
क्या बोल रहा है? यस इनवैलिड सिंटेक्स। ओके किया, कहां पे इनवैलिड बोल रहा है? एल्स वाले पार्ट में लगाया। वेरी गुड, इसको कंट्रोल एस करके F5 पे प्रेस कर दिया, ठीक है, यहां पे नंबर दे दिया 153। इंटर किया, आप देखो बोल दिया इट इज आर्मस्ट्रांग नंबर 153। और कुछ लिखो ना सर, एक दिए थे और क्या क्या एग्जांपल दिए थे मैंने 153 को छोड़ के, 370, ठीक है, थोड़ा सा इससे एक नंबर छोटा ले लेते हैं, ठीक है, 370 मैंने एग्जांपल के लिए लिया था, तो मैं नंबर क्या ले लूं, 371 ले लूं, ठीक है, इसको इंटर किया तो क्या बोल रहा है, इट इज आर्मस्ट्रांग नंबर 371। सही है क्या ये वैल्यू? यस सर। देखो 370 और 371 दोनों आर्मस्ट्रांग होते हैं, 372 लेके देख लो एक बार, F5 372, इट इज नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया सभी को? यस सर, आ गया सर। गुड, कोड दिखा दो एक बार सर। हाँ, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, हो गया। शैल वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, परफेक्ट नंबर क्या होता है बताओ, परफेक्ट नंबर क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड फाइंड आउट whether इट इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट। यस बेटा, 9, 4 हो गया, 9 हो गया। अरे होता क्या है, नंबर हमने बता दिया, स्क्वायर रूट होते हो, जैसे 2 का स्क्वायर 4। हाँ तो सर, ये दो ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब नहीं नहीं परफेक्ट नंबर बोला, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोला, ठीक है, ये ध्यान से समझना। हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, एक नंबर हम एक्सेप्ट करेंगे, मतलब हमारा प्रोग्राम इनपुट लेगा एक नंबर का और उस पर चेक करके देखेगा कि क्या वो एक परफेक्ट नंबर है। तो पहले परफेक्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले, तो परफेक्ट नंबर की डिफिनेशन समझना। परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके हम डिवाइजर्स निकालते हैं, ठीक है, जैसे कि एक 6 ले लेता हूं, 6 के डिवाइजर बताना बेटा, डिवाइजर क्या क्या होते हैं 6 के? 1, 2, 3, ये सब डिवाइड कर सकते हैं 6 को, ठीक है, तो अगर जो भी उसके डिवाइजर है उनका सम हम करें और वापिस से वही नंबर बन जाए तो हम बोलेंगे वो क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। क्लियर हुआ अभी? यस सर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि जो भी नंबर हम हमें दिया गया है, ठीक है, उसके एक एक नंबर निकले और वो आपस में जुड़े, अगर वही नंबर फिर से बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट नंबर। चलो अब देखना यहाँ पे कोड क्या लेंगे, हम एक नंबर लेंगे सामने वाले यूजर से, इतना क्लियर हुआ सभी को? अब ध्यान देना, यहाँ पे प्रोग्राम बनाते समय हमें यह देखना है कि काम क्या कर रहा है। जैसे मैंने उसमें बताया था कि सम अगर हमें बाद में निकालना है तो एक सम पहले से डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। डिफाइन का मतलब क्या होता है, डिफाइन हमेशा डिक्लेयर के साथ करते तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मैं दोनों स्टेटमेंट में अंतर बताता हूं, एक डिफिनेशन का मतलब डिफाइन करना क्या होता है और डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है। अगर मैंने केवल एक्स लिखा है तो मतलब मैंने उसको डिफाइन किया है, नहीं, इसका मतलब होता है डिक्लेयर करना। डिक्लेयर मतलब एक इस नाम की कोई चीज है, ये हो गया डिक्लेयर करना। पर अगर मैंने लिख दिया एक्स इक्वल टू कोई वैल्यू तो मैंने उसके डिफिनेशन भी बता दी, तो इसको बोलते हैं डिफाइन करना, ठीक है। तो हम डायरेक्टली किसी को भी यूज नहीं कर सकते बिना उसके डिफाइन किए हुए। तो सम मुझे आखिरी में चाहिए तो सम की वैल्यू कुछ होनी चाहिए, तो हम सम की वैल्यू हमेशा क्या यूज करेंगे, 0, ठीक है, जिससे हमारा कोई भी आंसर गलत ना हो, इस सम के कारण हमें कोई भी चीज गलत ना हो। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। गुड,
अब अगर आप ध्यान दो, दुनिया में जितने भी नंबर हैं है ना, उसका हमेशा डिवाइजर एक वन तो रहता ही रहता है, नहीं गलत बोल रहा हूं क्या? आप 100 ले लो, 1 से डिवाइड हो सकता है, 500 ले लो, 1 से डिवाइड, यस सर 1 तो रहेगा ही सही। तो उसके लिए भी हमें एक वैल्यू हमेशा यूज करनी है, क्योंकि वो हर वैल्यू के लिए परमानेंट है। सम भी जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा सम तो जीरो ही रहता है। आप कोई भी चीज कर लो, आप अगर जॉब, आपके पास जॉब नहीं है तो आपके पास पैसे क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप, आपको घर बनाना है तो अभी क्या है? अगर घर है ही नहीं आपके पास तो अभी क्या है? जीरो है, कुछ भी नहीं है आपके पास। तो वो सम भी हमें पता है कि वो जीरो रहेगा शुरुआत में, और ये भी पता है कि उसकी वैल्यू हमेशा एक तो वन रहेगी ही, ठीक है। अब यहां से हमारा कोड शुरू होता है। कोड क्या बोल रहा है? हमें चेक करना है कि जो भी नंबर उसने दिया है, मतलब ये जो नंबर दिया है, वो किस किस से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप के अंदर जाएंगे, और फॉर लूप क्या काम करेगा बताओ? उस नंबर से छोटी वैल्यू को यूज करने की कोशिश करेगा। किस नंबर से छोटी? 6 को भी यूज कर सकते हैं, नहीं, उसके केवल डिवाइजर, जो उससे छोटी वैल्यूज जो उससे डिवाइड होती हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक रेंज लेना है जहां पे हम एक वैल्यू ले लेते हैं, कुछ ए नाम दे देता हूं, ठीक है। और उसके अंदर क्या करेंगे हम, वो रेंज चेक करेगा। कैसे होता है रेंज चेक करना? इन रेंज क्या वैल्यू दूंगा मैं यहां पे, बोलो जल्दी, 1 से स्टार्ट हो, कहां तक जाए? जो भी नम दिया हो। इज इट क्लियर? यस सर, ठीक है। यस सर, अब सोचना ये इसने क्या दिया हमें, यहां पे लिख देता हूं कमेंट्स में, जिससे हमें काम आए कि आगे क्या प्रोग्राम बनाना है। ए की अलग अलग वैल्यू दी, पहले 1 दी, फिर 2 दी, अभी हम नम को 6 मान लेते हैं, क्योंकि हमने उस पर एक एग्जाम्पल भी कर लिया है ना, ऊपर लिखा हुआ है कि 6 अगर लेते हैं तो, हमने अगर 6 दिया तो यहीं पे सम, और इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, उसकी वैल्यू ही दी हमने, तो यहां पे क्या क्या वैल्यू जाएंगी? सही है ये, 1 2 3 4 5, ए की वैल्यू कभी 1 बनेगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। फिर हम क्या चेक कर लें, बोलो, हम चेक कर लें कि ये जो वैल्यू है क्या ये डिवाइड कर पाती है नम को। और रिमाइंडर में, रिमाइंडर में अगर 0 बनता है तो वो उसका एक डिवाइजर हुआ। डिवाइजर किसको कहते हैं? जो कंप्लीटली किसी को डिवाइड कर पाए। अगर ये ए जो इसके अंदर का छोटा सा नंबर है, ये इसको डिवाइड कर पाता है, तो ये डिवाइजर हुआ कि नहीं, बोलो? यस सर, गुड। तो यहां पे ये डिवाइजर हुआ, तो हम इसको किसी के अंदर सेव कर दे, एक वैल्यू के अंदर सेव कर दे। किसके अंदर सेव कर सकते हैं हम? अगर ये ट्रू है तो ये ए आगे पास हुआ, और ये किसमें सम हो जाएगा? ये सम किसमें हो जाएगा, बोलो? सम के अंदर हो जाएगा। आप देखो, 1 डिविजिबल था तो वो किसके अंदर चले गया? जो हमें सम निकालना है उसके अंदर। इतना क्लियर हुआ सभी को? ये क्या काम करके देगा? जो अभी फिलहाल में हमारा 0 है उसके साथ प्लस कर देगा जो हमारा ए है। ए अभी 1 है, पहली बार जब ये काम करेगा तो ए की वैल्यू 1 है, तो हमें क्या सम मिल गया? 1 मिल गया। क्लियर हुआ यहां तक? अब इसको मैं कुछ भी नहीं यहां पे कोड लिखता हूं, क्या काम करेगा ये? दोबारा से ऊपर जाएगा, ए की नई वैल्यू आ जाएगी 2। 2 इसको डिवाइड करेगी, किसको डिवाइड करेगी? नम को। डिवाइड करो, 6 और 2 को डिवाइड किया, 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो 0 के बराबर ट्रू आ रहा है, तो फिर यहां पे अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो अभी सम की नई वैल्यू क्या है, जो पुरानी थी वो है 1, और ए की वैल्यू क्या मिली अभी? 2। तो इन दोनों का सम मिल जाएगा हमें 3। आया इतना समझ में? नेक्स्ट देखना, अब क्या करना है हमें, यहां पे ए की नेक्स्ट वैल्यू आएगी 3। क्या 6 से डिवाइड करने पे 3 का रिमाइंडर 0 आता है? हाँ आता है। तो पुराने वाले सम की वैल्यू 3 से हमारी ये वैल्यू जुड़ जाएगी, ये वैल्यू क्या है? 3। तो वैल्यू क्या दे देगा हमें? 6। इज इट ओके? ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां पे सर, एक बार इसको फिर से रिकैप कर दो सर, शुरू से कि अभी जो लास्ट स्टेप बताई? हाँ सर, ये लास्ट लास्ट में।
ठीक है, देखो पहले तो वन को जब हम डिवाइड करेंगे तो ट्रू जाएगा, ये पहली बार में कंडीशन ट्रू जाएगी, तो वन सम के अंदर आ जाएगा, है ना। फिर दूसरी बार जब हम इसको काम करवाएंगे टू से डिवाइड करके देखो सिक्स का जीरो आता है, फिर भी ट्रू जाएगा। तो पुराने वाले सम में प्लस क्या होना चाहिए, ए, तो ए की वैल्यू अभी क्या है, टू, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री। इतना क्लियर हुआ। फिर ये वापस ऊपर जाएगा फोर लूप में, क्योंकि यस सर थ्री हो जाएगी। इससे जब भी कंप्लीट होगा इफ से, तो फोर लूप तो अभी चल रहा है ना, फोर के अंदर बना हुआ ही है, तो फिर ऊपर जाएगा, अब वैल्यू हो गई थ्री, फिर से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री रिमाइंडर में क्या देता है हमें, जीरो, फिर से ट्रू हुआ। तो पुराने सम को, पुराने सम में क्या जुड़ेगा, अभी वाला ए, तो क्या जुड़ जाएगा, थ्री में थ्री जुड़ जाएगा, प्लस थ्री, तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी सम की, सिक्स। अब अगर आप चेक करो फोर को डिवाइड करो, सिक्स, फोर को सिक्स डिवाइडेड बाय फोर रिमाइंडर आता है, फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स डिवाइडेड बाय फाइव रिमाइंडर आता है, तो फॉल्स हो जाएगा। तो हमें आंसर मिल रहा है सम के पास, आ रहा है ना सम के पास आंसर, तो यस सर मिल रहा है। एक इफ लूप लगाए और वो लूप क्या चेक करेगा बताओ, जो हमारा सम है सर दोनों को इक्वल प्रूफ कर देगा, वो नंबर के बराबर है क्या, अगर है तो वही पुराना काम क्या लिखेंगे, इट इज अ परफेक्ट नंबर। एल्स इट इज नॉट परफेक्ट, हाँ गुड, एल्स प्रिंट इट इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। कोई डाउट है यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा यूज में आ गया आई, कोई जरूरत नहीं हमें, यस सर ओवर, कोई यूज में नहीं आ रहा, वो सेव कर देता हूं इसको। ओके रन करके देख लेते हैं, नंबर बोलो कोई सा जिससे आप चेक करना चाहते हो, सिक्स लेके पहले चेक कर लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया है वो सही है कि गलत है, इट इज अ परफेक्ट। हाँ नया क्या बोल रहे हो आप, एट ना, ठीक है एट करके देख लेते, एट, एट के क्या क्या होते हैं डिवाइजर्स, वन है, टू है, फोर है, है ना, वन प्लस टू फोर, वन प्लस टू प्लस फोर सेवन होता है, मतलब नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ सभी को, यस सर ठीक है, वेरी गुड, यस सर क्लियर हो गया, समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है डाउट, नो डाउट सर, और ओवर करते हैं। ओके युवराज कोई डाउट है, युवराज इज नॉट प्रेजेंट इन क्लास। ओके जय, नो सर, ठीक है बेटा, है ना, ओके थैंक यू।